हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कश्मीरी मसाला मिक्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कश्मीरी वाजवान में। अगर आपके पास कश्मीरी गरम मसाला उपलब्ध नहीं है तो आप उसे अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, आप उससे उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, चोक वांगून के लिए हम लेंगे 500 ग्राम बैंगन, उसे हम स्लाइसेस में कट करेंगे, और हम लेंगे करीब 2 मीडियम साइज लेमन्स। इमली एक्चुअली यूज़ करनी होती है, लेकिन इमली मेरे पास आज है नहीं, इसलिए मैं लेमन्स यूज़ करूँगी, आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसे स्लाइस में काट कर डीप फ्राई करना है ऑयल में। यहाँ मैंने ग्राउंडनट ऑयल लिया है, आप चाहें तो जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बैंगन को हल्की आंच पे चलाते हुए फ्राई करना है। जैसे आप देख रहे हैं बैंगन बहुत जल्दी पक जाते हैं, हमें उन्हें लाइट ब्राउन करना है। जहाँ अभी इनकी कंसिस्टेंसी राइट हो गई है तो यहाँ पे हमने गैस एकदम स्लो कर दिया है और हम अभी इसे निकाल लेंगे क्योंकि इसका कलर कंसिस्टेंसी प्रॉपर आ गया है। ये डिश थोड़े ज़्यादा ऑयल में बनती है क्योंकि इसे रोटी के साथ या स्टीम्ड राइस के साथ भी खाया जा सकता है। तो हमने गैस बंद कर दिया है, जो ज़्यादा गर्म तेल था थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना स्पाइस मिक्स, दिस इज कश्मीरी स्पाइस मिक्स। जैसा देख रहे हैं तेल हल्का गर्म है, जिसमें हमें इस मसाले को पूरी तरह से गलाना है, चलाना भी है और गलाना भी है। मसाले को गलाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर मसाला अच्छी तरह से पकता है तभी सब्ज़ी को अच्छा स्वाद दे पाएगा। अब आप देख रहे हैं जैसे ये मसाला पक रहा है हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे पकाएंगे मसाले को अच्छी तरह से। बहुत ही स्पाइसी मसाला है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब क्योंकि इस डिश का नाम है चोक वांगून, चोक मतलब खट्टा, वांगून मतलब बैंगन। बैंगन की एक ऐसी डेलिकेसी, कश्मीरी डेलिकेसी है जो खट्टी और तीखी बनती है। तो इसमें हम डालेंगे अब इस पॉइंट पे जहाँ तेल ऊपर आ रहा है इमली डाल सकते हैं, या फिर आज मेरे पास इमली अवेलेबल नहीं है तो मैं नींबू का जूस डालूंगी इसमें। 500 ग्राम्स बैंगन स्लाइस्ड राइस होके इतने हो जाते हैं। तो अगर आपको रोटी के साथ खाना है या राइस के साथ खाना है आपकी मर्ज़ी है, मगर ये सिर्फ 2 पोर्शंस होता है। तो हम इसे चलाते रहेंगे, आपको थोड़ा खट्टा चाहिए तो थोड़ा खट्टा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका तीखा होना और खट्टापन दोनों बैलेंस होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे फिर से थोड़ा सा पानी, और नींबू के जूस के साथ इसको पकने दें। देखिए कैसा कलर आ गया है, अच्छा सा। इसे हम थोड़े से पकने देंगे, गैस को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद हम इसमें बैंगन डालेंगे और उसको धीमे आंच पे पकने देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। इसकी ग्रेवी ऐसी ही तरी वाली होती है, रस्से वाली नहीं होती है। बहुत अच्छी ग्रेवी है, स्पाइसी एंड टैंगी। ऐसी ग्रेवी को आप राइस के साथ या गर्मा गर्म रोटी के साथ, दोनों के साथ खा सकते हैं। कश्मीर में हम इसे राइस के साथ पेश करते हैं, वाजवान में पेश करते हैं। आप बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा।
किसी ने मुझसे रेसिपीज़ मांगी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि जो बनाना चाहें वो इसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, चोकवांगुन हो चुका है तैयार। देखने में खूबसूरत तरीके से पेंटिंग करें, आँखों से खाएं, अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें।